9 years ago, Sushma Swaraj threatened to shave off her hair if Sonia became PM, and since then Sonia Gandhi and the leader of the opposition have developed a working relationship in parliament that Sushma Swaraj calls civil. In an exclusive interview on the campaign trail in MP, Sushma Swaraj told NDTV that her one problem with Sonia Gandhi remained unchanged. She would never accept her as the Prime Minister of India. On Rahul Gandhi, Sushma Swaraj said the Congress should decide, is he an angry young man or a social activist? The BJP, she said, did not take him seriously as a challenger. So how would you describe your political equation with Sonia Gandhi today? इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि बिलारी का चुनाव याद है हमें. हमें ये भी याद है that you had once said that you would shave off your head if Sonia Gandhi ever became Prime Minister. लेकिन जब से आप एक नए अवतार में आई हैं, आप LOP के रूप में आई हैं, people also feel that there is some kind of civility between you, even though you are rivals. How would you describe your equation? कि पहली बात तो मुझे लगता है कि civility तो रखनी ही चाहिए rivals के बीच में. सोनिया गांधी जी से मेरा एक ही झगड़ा है कि मैं उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती. वो आज भी ना मैंने किया और ना मैं आगे करूंगी. आज भी मैं ये कहती हूँ क्योंकि वो चीज खत्म नहीं होती. क्योंकि मुझे ये लगता है कि मेरे देश ने गुलामी से निजात बहुत यातनाओं और बहुत शहादतों के बाद पाई, बहुत वर्षों बाद पाई, और आज इस आजाद हिंदुस्तान में भारत माता की संतानों में बहुत ज्यादा योग्यता है किसी में भी, किसी भी दल के वो प्रधानमंत्री बने. लेकिन प्रधानमंत्री पद के लिए जब कांग्रेस उनको आगे करती है तो मेरा विरोध होता है. वो विरोध तब भी था, वो विरोध आज भी है. लेकिन इसके अलावा मेरा कोई झगड़ा उनसे नहीं. मैंने कांग्रेस अध्यक्षा के रूप में भी उन्हें स्वीकारा जब वो नेता प्रतिपक्ष थी और मैं संसदीय कार्य मंत्री थी. मैं उनके घर जाकर के कहकर आई कि हम लोगों को इकट्ठे काम करना है. आज मैं नेता प्रतिपक्ष हूँ, वो यूपीए की चेयरपर्सन है. कोई सिविलिटी खत्म करने का सवाल ही नहीं. एक ही पॉइंट पर मेरा उनका झगड़ा है और जो पहले भी था और आज भी है. And that point remains unchanged. जी बिल्कुल, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता. वहाँ मेरी सेंसिबिलिटीज मुझे डिस्टर्ब करती है. आपने कहा कि मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो कोई चैलेंजर नहीं है. नेशनल पिक्चर में राहुल गांधी को बीजेपी चैलेंजर मानती है या नहीं? बिल्कुल भी नहीं. मुझे तो लगता है शायद मीडिया भी नहीं मानता. क्यों नहीं मानते? नहीं, वो मेटल दिखाया ही नहीं उन्होंने. जो एक पीएम मटेरियल होता है जिसको लेकर के वो आगे चलना चाहते थे, आज तक यही पता नहीं चला कि कांग्रेस उनकी इमेज क्या बनाने चाहती है. कभी वो उनको एक यंग एंग्री मैन, एंग्री यंग मैन की इमेज देना चाहती है, और कभी उनको एक सोशल एक्टिविस्ट के तरह से पेश करती है. लेकिन एक लीडर जो देश संभाल सके, ऐसी तो इमेज कभी ना उन्होंने अपने किसी भाषण में दी ना किसी आचरण में दी. पता नहीं उनके एडवाइजर्स कौन है या कांग्रेस क्या चाहती है उनसे. राहुल गांधी ने एक पोजिशनिंग करने की कोशिश की है कि उनकी पार्टी गरीबों की पार्टी है, गरीबों को रिप्रेजेंट करती है, प्रो पुअर पार्टी है, और बीजेपी जो है वो अमीरों की पार्टी है. इनफैक्ट ही यूज दिस वर्ड, उन्होंने अपनी एक रैली में ये बोला. तो डू यू थिंक कि एक तरह से ये एक इलेक्शन जो अब ये बन रहा है, ये अर्बन वर्सेस रूरल, रिच वर्सेस पुअर, ये इस तरह का चुनाव बन रहा है? देखिये, हमारी राज्य सरकारों ने अपने काम से इस धारणा को खत्म कर दिया और इसलिए ये आरोप पूरी तरह से निराधार है. चाहे वो मध्य प्रदेश की सरकार है, छत्तीसगढ़ की सरकार है, जो अब दोनों सरकारें चुनाव में जा रही हैं, वो प्रो पुअर सरकारें मानी जाती हैं. और गरीबी सबसे ज्यादा वोट दे रहा है क्योंकि गरीब के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध होकर के सरकारें चली हैं. तो इसलिए उनका ये कहना कि ये गरीब की पार्टी नहीं है और ये अमीर की पार्टी है और हम गरीब की पार्टी है, ये टोटली बेबुनियाद है. लोग ही इसको स्वीकार नहीं करते.